नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति का चुनाव मंगलवार को नगर निगम परिसर में स्थित कार्यालय में चुनाव पर्यवेक्षक के मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसमें सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। इस मौके पर विजयी कर्मचारियों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस संबंध में नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के संरक्षक कौशल कुमार शुक्ल ने बताया कि नगर निगम समन्वय समिति का चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हुआ है, जिसके अध्यक्ष पद पर राम प्रकाश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषनाथ पांडे, कनिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव एवं महामंत्री रामाधार दास सहित कार्यकारी सदस्य चुने गए हैं। जिसके संबंध में नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने बताया कि कर्मचारियों के हितों के लिए वो कार्य करते रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के संरक्षक कौशल कुमार शुक्ल एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने बताया। द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें आप सभी लोग उपस्थित हैं। अध्यक्ष जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी अपना अनुमति समय निकाल करके हम लोगों का चुनाव संपन्न करा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी हमारे लेखाधिकारी महोदय जी को सौंपे और लेखाधिकारी महोदय उनका आदर करते हुए और इस समन्वय समिति का ध्यान रखते हुए इन्होंने यहाँ पे पधारे हैं। वो आप लोग कायम रखते हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है तो पद से ज्यादा ही आए थे, परंतु कल पर्चा वापसी का भी समय था। कौशल कुमार शुक्ल, संरक्षक नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति। आज नगर निगम गोरखपुर में नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति का वर्ष 2021-2023 का दो वर्षीय चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें नगर निगम के सभी पांचों संगठन के पदाधिकारी, पांचों संगठन के सदस्य पदाधिकारी कार्यकारिणी के रूप में चुने गए हैं। और खुशी की बात यह है कि यह जो भी चुनाव संपन्न हुआ है वह निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में हमारे नगरायुक्त महोदय ने आदरणीय लेखाधिकारी महोदय को नामित किया। चुनाव अधिकारी के रूप में हमारे बीच में रूपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, पधारे हैं। आज यहाँ पर समन्वय समिति का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें राम प्रकाश सिंह जो पूर्व में भी अध्यक्ष रहे हैं उनको निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में श्री शेषनाथ पांडे जी जो इसके पूर्व में भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। उपाध्यक्ष दो पद है, जिसमें सुरेंद्र और टोनी पांडे जो चालक परिचालक के अध्यक्ष हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और केंद्रित कर्मचारी संघ के महामंत्री दीपक श्रीवास्तव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। महामंत्री पद जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है उसमें जलकल एम्प्लॉय यूनियन के अध्यक्ष रामाधार दास उन्हें महामंत्री का पद से चुना गया है, और बाकी हमारे जो प्रवक्ता के रूप में संजय श्रीवास्तव चुने गए हैं। इसी तरह से बाकी हमारे जो भी पद हैं कार्यालय मंत्री के रूप में फरहान अहमद चुने गए हैं, और जितने भी चुनाव हमारे हुए हैं सभी पदाधिकारियों और सभी कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव निर्विरोध तरीके से संपन्न हुआ है। और हम सब लोग आज के इस दिन सब लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि कर्मचारी हित में ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे,
और कर्मचारी नगर निगम कर्मचारियों की जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान हम लोग मिलजुल करके अधिकारियों से बातचीत करके करेंगे। मैं नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति का अध्यक्ष के रूप में समस्त कार्यकारी सदस्यों ने सहमति के आधार पर उनको निर्वाचित किया है। हमारे कर्मचारियों के सामने समस्याएं हैं, बहुत ही गंभीर समस्याएं भी हैं। वर्तमान नगर आयुक्त जो सेनाओं के सेनापति जो अच्छे होते हैं उनकी बात आने के बाद काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से कि नगर आयुक्त साहब हमारे कर्मचारी समस्याओं का समाधान करने में तत्पर रहेंगे और अभी तक जो स्थितियां रही हैं उन्होंने आगे बढ़ के कर्मचारी नेताओं से आगे बढ़ के कर्मचारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। आने वाली जो कुछ समस्याएं हैं उनसे हम लोग बैठ के टेबल पर समस्या समाधान कराने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है आपके माध्यम से बता दूँ नगर निगम में अधिकारियों की कमी, अधिकारियों को तत्काल तैनात किया जाए जिससे नगर आयुक्त अपने कार्यों का निष्पादन बहुत ही आसानी और सफल तरीके से कर सके, यही हमारी समस्या है और यह हम मांग करेंगे और इस तरह हम अपनी समस्या का निदान कराने का प्रयास करेंगे।